आंगनबाड़ी, यहाँ प्रधान पटके आंगनबाड़ी लगाते हैं। तो प्रधानबाड़ी और आंगनबाड़ी दोनों एक ही भवन संचालित किया जाता है। हाँ। और जो स्वास्थ्य का जो भवन दिख रहा है, स्वास्थ्य भवन का आप बता रहे हैं कि यहाँ पे बाहर लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के लोग भी यही बैठते हैं। हाँ। तो अस्पताल, आंगनबाड़ी और प्रधान पाठक कक्ष तीनों एक ही कमरे में? प्रधान पाठक नहीं बैठते हैं, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग वाले। स्वास्थ्य वाले दोनों एक ही कमरे में? अलग अलग कमरा, अलग अलग है और भवन एक ही है। हाँ। मैडम टीका लगाने गई है, इंद्रधनुष। तो यहाँ पे कब कब बैठती है? रोज डेली आती है। और जो भवन बंद है वो जर्जर है, तो इसलिए यहाँ पे लगाते हैं। जी। एक ही कमरे में? जी। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलती है मरीजों को? सब सुविधा मिलता है जितना आता है। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कैसे है? लाइट भी तो लगा है, कोई कहीं पर कटा होगा। मेरा नाम राजेश गढ़तिया है, मैं जनपद सदस्य हूँ क्षेत्र क्रमांक 23 से। यही इसी मेरा जनपद क्षेत्र है, बिछियां ग्राम पंचायत बिछियां भी मेरे जनपद क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है आपके क्षेत्र की, तो इसको लेकर आपने किसी से अवगत कराया है? ये लोक स्वराज में 3 बार दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो आपने जब आवेदन देते हो तो आपसे क्या कहा जाता है अधिकारियों द्वारा? हो जाएगा बोलते हैं, एस्टिमेट भी बराबर जाता है जिला पंचायत को। तो उसके बाद भी अभी तक तो 3 साल हो गया, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र यहीं पर है, प्रधान पाठक कक्ष में, एक अतिरिक्त कक्ष है वो पंचायत भवन में संचालित हो रहा है। तो वहाँ पे जब आप स्वास्थ्य भवन संचालित किया जा रहा है तो उसमें कोई समस्या आती है? हाँ, स्कूल परिसर में है सर, थोड़ा समस्या तो आती है। तो उसमें आंगनबाड़ी भी संचालित किया जाता है, वहाँ पे हमने देखा कि खाना पक रहा था। नहीं, वास्तविक है तो नहीं है, अनव्यवस्था करने के लिए मकान ही नहीं है, इसीलिए 3 साल से परेशानी झेलना पड़ रहा है। और ANM को जो जगह नहीं है, अकेली ANM है तो महासमुंद जिला से आई है, इसलिए एक कमरा प्राइवेट उनको दिए हैं,